कुछ साथी जुड़े तो ये लाइव शुरू करें हम लोग। ठेठ पहाड़ी और जागो उत्तराखंड के दोनों पेजों पर हम लाइव हैं और करीब 1.5 लाख से ऊपर हमारे फॉलोवर हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ फॉलोवर, हालांकि अभी दिन का वक्त है, लोग काम पे होंगे, उम्मीद करता हूं कि कुछ साथी जुड़ेंगे। आशीष जुड़ गए हैं, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, अब बात शुरू करिए जी। नमस्कार, जय पहाड़ जय पहाड़। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ढिंढोरा चल रहा है और अंकिता के केस से रिलेटेड एक बड़ा खुलासा, एक बड़ी खबर जो है आज अमर उजाला में भी छपी है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। पर सबसे पहले बात करते हैं, आप ये टाइटल देख रहे होंगे कि दिशा ध्यानी थौला म्योला, एक प्रोग्राम बीजेपी द्वारा आयोजित किया जा रहा है पहाड़ की जनता को एकत्रित करने के लिए। पर हम ये पूछ रहे हैं कि दिशा ध्यानी थौला म्योला, इसमें दिशा मतलब होता है बेटी, ध्यानी मतलब होता है बेटी और बहन, तो हम उसी दिशा उसी बेटी की बात कर रहे हैं कि दिशा ध्यानी थौला म्योला अंकिता ते न्याय कब दियोला। ये गौचर में कल 3 विधानसभाएं एकत्रित हो रही है चमोली की और महिला शक्ति वहां पर जारी है। मेरा अनुरोध है हर मातृशक्ति से कि आप विरोध करें इस प्रोग्राम का, दिशा ध्यानी थौला म्योला। एक तरफ तो ये हमारी बेटी को न्याय नहीं देते हैं, दूसरी ओर नारी उत्थान की बात करते हैं। एक तरफ ये हमारे घरों का चिन्हीकरण करके चले जाते हैं और दूसरी ओर पहाड़ियों को हक देने का ढोंग करते हैं। मेरा जो लोग हमें देखते हैं, जिनके लिए हमने आवाज उठाई है, जिनके घरों को टूटने से हमने रोका है, जिनकी बेटी के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरा अनुरोध है कि आप कल गौचर ना जाएं। यदि आप जाएंगे तो वो उस बेटी की हार होगी। बिल्कुल आशीष, पहले मैं अपने सभी जागो उत्तराखंड के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आप बहुत समय से मुझे लाइव नहीं देख रहे होंगे और मेरे वीडियो भी नहीं देख पा रहे होंगे आप। इसका कारण ये है कि मैं लगभग एक महीने से एक विकट किस्म की खांसी मुझे हो गई थी, जिस वजह से एक मेरा बिल्कुल गला ही बंद हो गया था, मैं बोलने की स्थिति में नहीं था। और अभी टिहरी में मूल निवास की रैली हुई थी, वहाँ भी बमुश्किल मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ अभी, मतलब मेरी जो आवाज़ है वो अभी पूरी खुली नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, हालांकि फटे गले से कह रहा हूँ, अब कहीं ना कहीं मैं कुछ ना कुछ तो बोल पा रहा हूँ, इसलिए मैं हिम्मत जुटा रहा हूँ कि आपके बीच लाइव आया हूँ। मेरा ये कहना है कि देखिए, दिशा ध्यानी थौला म्योला एक तरह से जो अंकिता हत्याकांड को लेकर आप लोग लगातार आंदोलित हैं और आप चाहते हैं कि बेटी को न्याय मिले, इसको लेकर सरकार इतनी ज़्यादा परेशान है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ये नौटंकी कर रही है दिशा ध्यानी थौला म्योला। आप ये देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री साहब अभी कुछ दिन पहले ही पौड़ी भी गए थे और वहां भी ये दिशा ध्यानी थौला म्योला कार्यक्रम हुआ कंडोलिया मैदान में। और जब वहां पे जागो उत्तराखंड के जो हमारे वहां पे संवाददाता है भगवान सिंह, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और जैसे ही मुख्यमंत्री धामी ने बोलना शुरू किया तो जो प्रायोजित भीड़ वहां पे लाई गई थी, जिसके लिए जिला प्रशासन ने मुफ्त तेल का भुगतान किया था, लाखों रुपए के फूल आए थे वहां पे गाड़ियों को सजाने के लिए, कर्मचारियों की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी पौड़ी में कि आप पौड़ी पहुंचिए और वहां पे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाइए, हमारे पटवारी भाइयों की जो राजस्व निरीक्षक हैं उनको जिम्मेदारी दी गई, जो हमारे पंचायत मंत्री होते हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि घर घर गाँव गाँव से लोगों को भर भर के आप कंडोलियां लाओगे। उसके बावजूद जैसे ही मुख्यमंत्री धामी ने अपनी बात को रखने का वहाँ पे कार्यक्रम शुरू किया और कहा कि साहब हम बेटियों के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं ला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम किस्म की बातें उन्होंने की, लेकिन ये जितनी योजनाएं हैं सरकार की, अगर ये सच्ची है तो अंकिता बेटी को न्याय देने में इतनी कठिनाई क्यों आ रही है, ऐसा सुनते ही लोगों ने वहाँ कुर्सियों से उठना शुरू कर दिया और जो वहाँ पे एक प्रायोजित भीड़ वहां पे इकट्ठा की गई थी दिशा ध्यानियों की, हमारी माँ बहनों की, उन्होंने कोई भी इंटरेस्ट न लेते हुए वहां से जाना शुरू कर दिया। जब हमारा पत्रकार
भगवान सिंह उसकी रिपोर्टिंग कर रहा था, तो ये मेरे जीवन का पहला एक अवसर है कि एक आईएएस अधिकारी, एक जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, उनकी बहुत अच्छी छवि मेरे मन में थी, लेकिन उन्होंने बहुत घटिया हरकत करते हुए मेरे पत्रकार के, मेरे संवाददाता का मोबाइल छीना। और वहाँ पे कुछ कर्मचारी थे जो कि एक महिला अभियंता बताई जा रही है, कोई खनन अधिकारी बताया जा रहा है, उनको मोबाइल दिया और मेरे संवाददाता के वो वीडियो डिलीट करवा दिए। तो ये तो मैं सीधा सीधा लोकतंत्र पे हमला मानता हूँ। चौथे स्तंभ की जो हमारी स्वतंत्रता है, प्रेस की जो स्वतंत्रता का अधिकार है जो हमारा, उस पर हमला है। तो आप ये देखिए कि यहाँ इस स्तर तक जिला प्रशासन और डीएम के स्तर का अधिकारी आ जाता है कि पत्रकार का मोबाइल छीनता है, क्योंकि ये कार्यक्रम सफल नहीं होंगे। सच्चाई ये है कि अंकिता को लेकर लोग इतना आंदोलित हैं, खास तौर पे गढ़वाल क्षेत्र में, कुमाऊं क्षेत्र में, पूरे गढ़वाल मंडल में, और इसका असर लोकसभा चुनाव में जाने वाला है। और इसी को लेकर भाजपा ने ये दिशा झाड़ी थौला मेला कार्यक्रम आयोजित किया है। और मैं आशीष साहब को उस बात की तरफ भी ले आता हूँ कि आज ही अमर उजाला में दो खबरें छपी हैं, जिसमें एक में कहा जा रहा है कि पुलकित आर्य का जो वहाँ पे संपत्ति थी, जो गैंगस्टर एक्ट उस पर लगाया था, एसएसपी पौड़ी ने, जो श्वेता चौबे ने उन पे जो गैंगस्टर एक्ट लगाया था पौड़ी पुलिस ने, कि भाई ये जो है गैंग बना के ये तीनों लोग, पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर, अंकित गुप्ता, यमकेश्वर क्षेत्र में इन्होंने गैर कानूनी जमीन वहाँ पे कब्जा की हुई है और इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। लेकिन जो जिलाधिकारी के हवाले से अमर उजाला में जो खबर छपी है, वो ये कहती है कि एसडीएम की जांच के बाद ये निकल के आया है कि वो संपत्ति अब कुर्क नहीं होगी। वो कुर्क नहीं होगी क्योंकि वो संपत्ति गैर कानूनी नहीं है। तो हमारा सवाल ये है कि क्या आप पुलकित आर्य को क्लीन चिट देना चाहते हैं? क्या आपका केवल उस समय पौड़ी पुलिस ने जो गैंगस्टर एक्ट लगाया वो जनभावनाओं को शांत करने के लिए था? क्या आप ये दिखाना चाहते थे कि सरकार जो है पुलकित, जो इतना बड़ा अपराधी है, बेटी का हत्यारा है, उसके खिलाफ है, और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले आप उसे क्लीन चिट देते हैं? इसका सीधा सा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं सरकार जनता को धोखे में रख रही है, पौड़ी पुलिस जो है जनता को धोखे में रख रही है, और अब ये कहा जा रहा है कि पुलकित जो है उस पर उसकी संपत्ति कुर्क नहीं होगी। तो कितना बड़ा धोखा ये हमारे साथ किया जा रहा है। और जो लगातार हम कह रहे हैं कि अंकिता हत्याकांड की जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको किस तरह से परेशान किया जा रहा है, माँ बाप किस तरह से परेशान है, माँ लगातार पौड़ी में वहाँ पे आईसीयू में अस्पताल में भर्ती रही, जो धामी जी हैं वो पौड़ी में आए, उन्होंने एक शब्द भी कंडोलिया ग्राउंड से अंकिता को न्याय के बारे में नहीं कहा। तो किस तरह का आपका दिशा ध्यानी थौला मिला है जब आप पौड़ी आके, पौड़ी कंडोलिया ग्राउंड में जहाँ पे हमारे न्याय के देवता कंडोलिया का मंदिर है, वहां पे आप हमारी बेटी को न्याय की बात नहीं करते हो, और उस कंडोलिया ग्राउंड में प्रायोजित भीड़ इकट्ठा करके जब पत्रकार साथी, हमारा जो पत्रकार है वो सच्चाई दिखाना चाहता है, तो डीएम उसे रोकता है। तो ये पूरा जो आपने षड्यंत्र किया हुआ है ये जनता के सामने आ रहा है और जनता देख रही है कि आपके क्या डबल स्टैंडर्ड है। आप कहते हैं कि पहले गैंगस्टर एक्ट लगेगा, अब आप कह रहे हैं कि उसकी संपत्ति अवैध नहीं है। और एक खबर और छपी है, और अमर उजाला हमारी खबरों को, एक बड़ा अखबार जरूर है, लेकिन मैं उसकी इस सोच की निंदा करता हूं कि जो अंकिता हत्याकांड को लेकर तमाम खबरें हमारी होती हैं उनको तो दबा के रखता है, लेकिन जब अपराधी का कोई स्टेटमेंट आता है उसे वो प्रमुखता से छापता है कि पुलकित को कोटद्वार कोर्ट से न्याय की उम्मीद नहीं है। एक अपराधी का स्टेटमेंट एक बड़ी खबर बना के आप पेश करते हैं, इसका मतलब आप जन भावनाओं के साथ नहीं है और आप अपराधी की बात को बड़ी खबर बना के पेश कर रहे हैं। तो अमर उजाला जो लोग भी पढ़ रहे हो, आप जरा सोचिए कि क्या अंकिता के पक्ष में जो खबरें होती हैं क्या उन्हें भी इतनी प्रमुखता से प्रकाशित करता है। ये आप लोगों के लिए, सबके लिए सोचने का विषय है। दूसरा जो ये दिशा झाड़ी थौला मेला है, मैं और भी दो तीन बातें कह दूं, फिर आशीष साहब अपनी बात रखना, क्योंकि आज हम चमोली में हैं और यहाँ माँ नंदा की भूमि पर, न्याय की देवी की भूमि पर बैठे हुए हैं और चाहते हैं कि अंकिता बेटी की जो न्याय की आवाज़ है वो यहाँ की जो दिशा झाड़ी है, जो साक्षात माँ नंदा का अवतार है, कल गोचर में धामी जी की
जो ये दिशा झाणी थौला मेला, ये फर्जी जो ये कैंपेन कर रहे हैं, कोई ये न्याय नहीं देना चाहते, महिलाओं को भला करने की इनकी कोई मंशा नहीं लगती, तो इन मेलों का बहिष्कार किया जाए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं दो चीजें और आपके सामने ला रहा हूँ कि पहले इन्होंने देखिए अंकिता बेटी को न्याय नहीं देने दिया, अभी भी हम लड़ रहे हैं, कोटद्वार कोर्ट में अपने उस पर लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट में अपने दमखम पे लड़ रहे हैं। जब कोटद्वार कोर्ट से कुछ धाराएं हट जाती हैं तो सरकार की कोई मंशा नहीं है कि 120 बी और 34 को हाई कोर्ट में बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लगाई जाए, वो भी हम लड़ रहे हैं। पुलकित की जो बेल हाई कोर्ट से खारिज करवाई, वो हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से हमारे जो वकील है नवनीत नेगी जी, उन्होंने खारिज करवाई। तो सरकार कहाँ है यार, कहाँ सरकार के वकील हैं, एक बात। दूसरा बात कि जो 5 तारीख को धामी सरकार ने मुझ पर 2 हमले किए, कि एक मेरी पत्नी का ट्रांसफर, एक गैर कानूनी ट्रांसफर, जो जनपद स्तर का पद है, मेरी वाइफ को पिथौरागढ़ भेज दिया, हालांकि उस पर अब हाईकोर्ट का स्टे है क्योंकि वो नियम विरुद्ध ट्रांसफर है। और दूसरा हमला जो मुझ पर फर्जी एससी एसटी एक्ट लगाया गया, जिसकी आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। तो मेरा ये कहना है, क्या अगर आप मेरी बीबी का इलीगल ट्रांसफर करके क्या फिर एक बेटी को उत्पीड़न और नहीं कर रहे? क्या आप मेरी बीबी का इलीगल ट्रांसफर करके क्या एक आप दूसरी बेटी का उत्पीड़न नहीं कर रहे? क्या मेरी भी 2 बेटियां और हैं? क्या उन बच्चियों की जो पढ़ाई का डिस्टर्बेंस होगा, क्या वो उत्पीड़न नहीं है? धामी जी आप बताइए, क्या जो ये ट्रांसफर का सीजन ही नहीं है और आपने जो मेरी बीबी का ट्रांसफर करवाया और जिससे मेरी अगर वाइफ वहां जाना पड़ता और मेरी 2 बेटियों की जो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, तो आप जो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपको शर्म नहीं आती है ये मंचों से बात कहते हुए? बिना सत्र के अभी कोई ट्रांसफर सीजन नहीं है और आप एक महिला का ट्रांसफर करते हैं, उसका उत्पीड़न करके उसको दूरस्थ जनपद भेजते हैं, और मेरी बच्चियां जो 2 बेटियां हैं, क्या वो आपका जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके खिलाफ नहीं है? चलिए ये बात भी हुई, मुझ पे SC ST का मुकदमा भी हुआ। उसके बाद जो आपके DGP है अभिनव कुमार जी, और वो किस तरह से नशे में रहते हैं, किस तरह से उनके बारे में खबरें हमारे पास आती हैं कि किस तरह की उनकी लाइफ स्टाइल है, अगर कुछ प्रमाण आएंगे तो वो भी हम जनता के सामने लाएंगे। वो जिस दिन से यहाँ पे DGP बने हैं, उन्होंने पहले भी मुझे धमकी दी थी कि आशुतोष ने, कि तुम्हें उठा लिया जाएगा, अंकिता के मामले से पीछे हटके रहो। एक पत्रकार ने मुझे उनका ये मैसेज पहुंचाया था। और उसके बाद उनके DGP बनने के बाद उन्हीं के कार्यालय में जो मनीषा नेगी है, जो एक महिला है जिन्होंने एक बच्ची को एडॉप्ट किया हुआ है, और जो नवनीत नेगी जी की बहन है, उनका भी अकारण आप उत्तरकाशी ट्रांसफर करते हैं, बड़कोट ट्रांसफर करते हैं। क्या वो एक दूसरी बेटी का उत्पीड़न नहीं है मनीष नेगी का? क्या उनकी जो एडॉप्ट की हुई बच्ची है उसका उत्पीड़न नहीं है? उनकी जो बुजुर्ग माँ है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय कोतवाल सिंह नेगी जी की पुत्रवधु है, क्या वो उनका उत्पीड़न नहीं है? तो आपके ये जो दिशा ध्याणी थौला मेला है, ये तमाम नौटंकी है, तमाम जनता देख रही है कि आप अंकिता के बाद किस तरह से हमारी बीवियों को, हमारी बहनों का उत्पीड़न कर रहे हैं, हमारी बेटियों का जो पढ़ाई का डिस्टर्बेंस हो रहा है, क्या ये उत्पीड़न नहीं है? और मंच से जाके आप कहते हो दिशा ध्याणी थौला मेला, ये एक्सपोज होना चाहिए। और चमोली की मातृशक्ति से, अपनी बहनों से, अपनी माताओं से मेरा निवेदन है कि कल इनका जो गौचर में ये फर्जी थौला मेला है, ये थौला मेला इन्हीं को पकड़ाइए और इनको बैरंग यहां से वापस भेजिए कि उठाओ तुम्हारा थौला मेला, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा थौला, इस थौले को ले जाओ वापस, क्योंकि इस थौले में न्याय नहीं है अंकिता के लिए। और आपकी जो हरकतें हैं उससे ये लगता है कि न तो आपके पास अंकिता की माँ के लिए दर्द है, जो ICU में भर्ती थी पौड़ी अस्पताल में, आप पौड़ी आते हो, एक शब्द आप अंकिता के न्याय के लिए नहीं कहते, आप हमारी पत्नी का ट्रांसफर करते हो, हमारी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब करते हो, आप वकील साहब की बहन का ट्रांसफर करते हो अपने DGP के माध्यम से, तो आपकी कथनी और करनी में इतना जबरदस्त गैप है कि आप जो ये थौला मेला कर रहे हो, इसे हमारी माँ बहनें कभी स्वीकार नहीं करेंगी। थोड़ा सा मेरा गला अब भी ज्यादा बोलने के बाद फिर से
दिक्कत आ रही है तो आशीष साहब आगे बात रखें। बिल्कुल, मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी माताएं हैं चमोली की, हमारी मातृशक्ति है, इन्होंने देखिए पुलकित आर्य को क्लीन चिट दे दिया है। अमर उजाला आज का पढ़िए, और हमें ऐसे जो मीडिया है नेशनल मीडिया, इनका भी बायकॉट करना चाहिए। ये हमारी खबरें तो कभी दिखाते नहीं है। कभी हम अंकिता के लिए जुलूस निकालते हैं तो तब ये बोलते हैं कि कांग्रेस ने जुलूस निकाला, उसमें हमारा स्वाभिमान सेना का जिक्र नहीं होता है, अंकिता के जिक्र नहीं होता है। और जब कुछ क्लीन चिट या कुछ भी नया रुख देना चाहते हैं या सिंपति गेन करना चाहते हैं या रुख परिवर्तित करना चाहते हैं तभी ऐसे न्यूज चलाते हैं। वीआईपी का खुलासा अंकिता की मां ने किया, अमर उजाला जवाब दे कि आपके अंदर हिम्मत है कि अजय कुमार की फोटो लगा दें आप अखबार में? बिल्कुल, बेशरम है आप लोग, पत्रकारिता के नाम कलंक है। बिल्कुल, जो आपके अंदर हिम्मत नहीं है अंकिता की माँ जो कह रही है उसको प्रकाशित करने की, और आप मुजरिम की बात को प्रमुखता से प्रसारित करते हो, प्रकाशित करते हो, तो मेरा अपनी जनता से भी अनुरोध है कि इस तरह के जो गोदी मीडिया है इसका भी बायकॉट करें, क्योंकि सरकार की गोद में जाके बैठा हुआ है, इनकी सारी खबरें प्रायोजित है, जैसा सरकार कहती है वैसा इनका पत्रकार छापता है, तो इनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करके, इन फर्जी टीवी चैनलों का बहिष्कार करके, इन फर्जी अखबारों का बहिष्कार करके, अपने सोशल मीडिया के जो हमारे भाई हैं जो सच्चाई दिखाते हैं उनको आप देखिए, क्योंकि आपको सच वहीं से पता चलेगा, और जब आप सच देखेंगे तब आप सच के डायरेक्शन में सोचेंगे भी, और उस हिसाब से इस प्रदेश का भविष्य भी तय करेंगे। मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आप अभी काफी संख्या में लाइव जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पूछता हूँ आपसे कि क्या गारंटी है कि दूसरी अंकिता नहीं होगी? क्या गारंटी है कि बीजेपी के किसी बड़े नेता का बेटा फिर से किसी हमारी बहन बेटी को ऐसे बर्बाद नहीं करेगा, कि उसका मन नहीं डोलेगा फिर से? क्या गारंटी है इस चीज की? कोई भी गारंटी नहीं है। यह आपको भी पता है, जब तक पुलकित आर्य को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक ये संपूर्ण समाज में मैसेज नहीं जाएगा कि पहाड़ियों की बेटियों को अगर ये कुछ छेड़ेंगे या अभद्रता करेंगे तो इनको बदले में फांसी मिलेगी। जब तक ये मैसेज सेट नहीं होगा तब तक ऐसा होता रहेगा। और यदि कल जितनी भी मातृशक्ति हैं वो बीजेपी के साथ नजर आती हैं तो इससे उस माँ का हौसला टूटेगा, अंकिता की माँ का हौसला टूटेगा जो न्याय के लिए दर बदर भटक रही है। यदि हम न्याय नहीं दे सकते तो उस माँ को हौसला जरूर दे सकते हैं। ये मैं मानंदा की भूमि से बोल रहा हूँ, मैं मानंदा की भूमि नोटिस से अभी बोल रहा हूँ, और जितनी भी मातृशक्ति देख रही है आप लोग इनका बायकॉट करें और इनसे पूछें कि न्याय कब मिलेगा। नहीं चाहिए फ्री राशन, वो फ्री राशन के चक्कर में क्या हम अपने बेटियों को दाव पे लगा दें, उनका भविष्य दाव पे लगा दें? रोजगार इन्होंने छीन लिया है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, फिर भी उसके बाद इस तरह के प्रोग्रामों में अगर हम पहाड़ियों की भीड़ जुटती है तो इस समाज को मूर्ख कहना गलत नहीं होगा। और एक बात और आशीष, पूरा प्रदेश आंदोलित है मूल निवास भू कानून के लिए, और ये थमा रहे हमें यूसीसी। हम मांग रहे हैं एक विशेष अधिकार कि पहाड़ियों को एक विशेष अधिकार दीजिए, मूल निवास दीजिए। मूल निवास प्रमाण पत्र के बाद बात यह है कि पहाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, क्लास 3-4 की भर्तियों में आरक्षण मिलेगा, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, सरकारी योजनाओं में आरक्षण मिलेगा। और आप लाते हो समान नागरिकता कानून हमारे पहाड़ियों के लिए, इसको सारे देश में क्यों नहीं लाते आप? क्या क्यों इसे पहाड़ियों में थोपते हो आप? क्या आप ये सोचते हो कि पहाड़ी अंधभक्त है? अंधभक्ति के नाम पे वो आपको वोट करता रहेगा, राष्ट्रवाद के नाम पे आपको वोट करता रहेगा? अरे राष्ट्रवाद तो तब होगा जब हमारे पहाड़ी का भला होगा, जब उसे रोजगार मिलेगा। फौज की नौकरी अब पहाड़ी के लिए रही नहीं, वो होटल व्यवसाय में जगह जगह अपना काम कर रहा है। और आप मूल निवास प्रमाण पत्र पे कोई बात न करते हुए हमारी विधानसभा में उन शहीदों का, 42 शहादतों का भी अपमान करते हो, जब आप जो अवैध संबंध को लेके जो चीजें होती हैं उन पे वहां पे आप चर्चा करते हो कि लिव इन रिलेशन के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अरे लिव इन रिलेशन क्या इंपॉर्टेंट है इस प्रदेश में? क्यों आप ऐसे लोगों को यहाँ लाना चाहते हो जो लिव इन रिलेशन में रहना चाहते हैं? हम तो शादी विवाह करके पवित्र रिश्तों में रहने वाले लोग हैं, आप ये गंदगी फैलाना चाहते हो इस प्रदेश में। मूल निवास भू कानून पे आप बात नहीं करते हो, जबरन यूसीसी आप थोपते हो। आप इसलिए थोपते हो कि पहाड़ी आपको लगता है कि ये अच्छी प्रयोगशाला है, उत्तराखंड एक अच्छी प्रयोगशाला है, यहाँ पे एक मुस्लिम धर्म के लोग कम संख्या में है, वो ज्यादा विरोध नहीं कर पाएंगे। आप प्रयोगशाला बनाइए उत्तराखंड को और दिखा दीजिए पूरे देश को कि हमने उत्तराखंड में
देवभूमि में वहां पे यूसीसी कानून लागू कर दिया है, क्योंकि यहां पे मुस्लिम ज्यादा विरोध नहीं कर सकते। आप ऐसे राज्य में क्यों नहीं करते जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है, वहां आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपकी आपको पता है कि वो लोग विरोध करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुस्लिम लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको उत्तराखंड में लगता है कि मुस्लिम भाई हमारे अल्पसंख्यक हैं और पहाड़ी जो है वो राष्ट्रवादी है। वो तो आप कोई भी कानून बनाएंगे, आप उसे पहाड़ी जो है सिर झुका के स्वीकार कर लेगा, जरूर स्वीकार करेगा, लेकिन उससे पहले आप हमारी रोजगार की बात करिए, मूल निवास की बात करिए। अगर हमारी बेटी अंकिता भंडारी के पास मूल निवास प्रमाण पत्र होता तो क्यों 10,000 की नौकरी के लिए एक बाहरी व्यक्ति के अवैध रिजॉर्ट में जाती, वहां उसका उत्पीड़न होता और हत्या होती, जो कि ये कहा गया उस वक्त कि वो इलीगल रिजॉर्ट है, अवैध रिजॉर्ट है। और भू कानून होता, सशक्त भू कानून होता, तो कैसे वो व्यक्ति इतनी हेक्टर जो दिखाया जा रहा है कि हजारों हेक्टर उसने भूमि ली है, कैसे वो लेता, कैसे अवैध रिजॉर्ट बनते। तो बात सारी कुछ वहीं मिलके आती है कि जो मूल निवास का मुद्दा है, भू कानून का मुद्दा है और अंकिता भंडारी का मुद्दा है, उस पर ना तो आप विधानसभा में बोलते हो, ना दीसा धाणी थौला मेला में बोलते हो, और करोड़ों रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का उसमें पैसा खर्च करते हो अपने लिए भीड़ जुटाने में। ये बड़ा शर्मनाक है, जनता को इस बात को समझना चाहिए। और जैसे आशीष ने कहा कि केवल राशन में अपना जो ईमान है उसे न बिकने दे, अपनी बेटियों की जो अस्मिता है ये फ्री के राशन में न बिकने दे। बिल्कुल, जब हमने भू कानून और मूल निवास जैसे मुद्दों पर रैलियां की संपूर्ण प्रदेश में, तो भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने हमें वामपंथी और माओविस्ट हमें कहा कि माओवादी आप हैं। जब पुलकित आर्य ने इतना बड़ा वाक्य को अंजाम दिया और इतने बड़े अपराध को अंजाम दिया, तब तो महेंद्र भट्ट ने कुछ नहीं बोला उसको, तब बोल देते कि ये आतंकवादी है और मैं मर्डरिस्ट है। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि देखिए इस भाजपा सरकार का दोहरा चरित्र, कि जो व्यक्ति लगातार पहाड़ियों का अपमान करता है उन्हें बोलता है कि ये तो वामपंथी है, ये तो माओवादी है, और जिसको इस प्रचंड जिस समय लहर चल रही थी पिछले चुनाव में मोदी लहर, उसमें जो अपनी विधानसभा जीत नहीं पाता है, जिसको वहां की जनता अस्वीकार कर देती है, उसे आप पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं और अब आप राज्यसभा का टिकट दे रहे हैं उस व्यक्ति को उत्तराखंड से। क्या वो व्यक्ति राज्यसभा में हमारा सही ढंग से प्रतिनिधित्व करेगा? क्या वो पहाड़ियों की मूल निवास भू कानून की आवाज वहां रखेगा? क्या वो व्यक्ति अंकिता भंडारी को न्याय की बात राज्यसभा में रखेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये आपका दोहरा चरित्र है कि आप अब उस व्यक्ति को बैकडोर से राज्यसभा में भेजना चाहते हैं। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि जिन लोगों को हमने अस्वीकार किया, हमारी जनता ने चंपावत में मुख्यमंत्री धामी को भी अस्वीकार किया, क्योंकि वो जानती थी इस व्यक्ति का सही चेहरा कि किस तरह का खनन कारोबार में ये लिप्त रहे हैं, किस तरह के इन्होंने वहां पे एक्टिविटी की है, सारी जनता जानती है चंपावत की। तो इन्होंने वहां पे इनको आईना दिखाया और भुवन कापड़ी वहां पे जीते। और यहां चमोली में जो बद्रीनाथ विधानसभा है, राजेंद्र भंडारी यहां पे जीते और महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष बनाती है और धामी जी को मुख्यमंत्री बनाती है हारे हुए लोगों को। जिन लोगों को जनता स्वीकार करती है उनको ये पार्टी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बनाती है भाजपा का, और अब महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का टिकट दिया जा रहा है। तो देख लो चंपावत वालों और देख लो बद्रीनाथ वालों, ये जन भावनाओं की भी इनको कोई कदर नहीं है। जिनको जनता अस्वीकार करती है इनकी हरकतों की वजह से, उनको मुख्यमंत्री के पद से नवाजा जाता है दो दो तीन तीन बार, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, और जो हमें माओवादी कहते हैं उन्हें अब राज्यसभा भेजा जा रहा है। ये स्पष्ट है कि इस प्रदेश की सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो पहाड़ विरोधी सरकार है। यदि ये पहाड़ प्रेमी होते तो ये अंकिता को न्याय देते, ये सशक्त भू कानून मूल निवास लागू करते, पहाड़ियों को रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य में प्राथमिकता देते। पर ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार है, धामी सरकार जो है वो पहाड़ विरोधी सरकार है, और पहाड़ विरोधियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। आप खुद देखिए, जब प्रेमचंद्र अग्रवाल ने एक हमारे पहाड़ी भाई सुरेंद्र नेगी को सड़क पर पीटा, तो उस समय यह अगर पहाड़ के प्रति धामी जी कुछ संवेदना रखते, पहाड़ियों के प्रति कुछ संवेदना रखते, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल को पदमुक्त करते, पर इन्होंने फिर भी उसको सिंहासन पर बिठाए रखा। ये हम पहाड़ियों को समझना होगा कि इस प्रदेश में अभी हमारा कोई नहीं है।
ना कोई सरकार है, ना विपक्ष, ना विपक्ष है, ना मीडिया है। आप खुद देखिए विपक्ष के 70 विधायकों में से कितने लोगों ने अंकिता के लिए आवाज उठाई। यदि बीजेपी को हम बोलते हैं कि बीजेपी बुरी है तो कांग्रेस के बाकी विधायकों ने भी तो आवाज नहीं उठाई। विक्रम नेगी जी, प्रीतम सिंह जी और गणेश गोदियाल जी भी कहीं ना कहीं बोलते हैं, हालांकि वो विधायक नहीं है। विधानसभा में केवल प्रीतम सिंह जी ने अभी बोला था, उसके अलावा सभी मौन रहे। तो ये उनके लिए भी सवाल है, यदि विपक्ष है तो विपक्ष बोल क्यों नहीं रहा। मूल निवास पे तो एक भी व्यक्ति ने नहीं बोला है, भू कानून पे एक भी व्यक्ति ने नहीं, विधानसभा में कोई चर्चा ही नहीं हुई। तो भाइयों बहनों, आपसे अनुरोध है कि जो हमारा भविष्य है वो बड़ा अंधकारमय होने वाला है, अगर उसको उजाला उसमें लाना है तो उसका लोकतंत्र में एक ही तरीका होता है, चुनाव। और जब आप इस चुनाव में मतदान करें तो बड़ा सोच समझ के मतदान करें, फ्री के राशन पर मतदान न करें। आप देखिए पिछले 4-5 सालों से हमारे पहाड़ी लोगों को किस तरह से कुचला जा रहा है, कैसे उनके मकानों पर जेसीबी फिराए जा रहे हैं, जबकि अवैध बस्तियां जो प्लेन के इलाके में हैं, जिसमें बाहरी प्रदेशों के बंगाल से आके, बिहार से आके, पता नहीं कहां कहां से आके झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, उनको तो नियमित करने की बात सरकार करती है, लेकिन जो पहाड़ में जो हमारी छोटी छोटी दुकान करके हमारे भाई जो रोजगार करना चाहते हैं उन पर बेदर्दी से जेसीबी चलाती है। एक मुद्दा अंकिता भंडारी का मुद्दा, जिसके लड़ते लड़ते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट से लड़ते लड़ते जो हम जो है हमारे पसीने छुड़वा दिए इस सरकार ने, हमारे परिवारों का उत्पीड़न कर रही है, हमारे बच्चों का उत्पीड़न कर रही है, हमारी बहनों का, जो मनीषा नेगी जी हैं, जो डीजीपी ऑफिस में अभिनव कुमार ने जिन्हें ट्रांसफर कर दिया है हमें, और ये अभिनव कुमार ये व्यक्ति भी इस प्रदेश का नागरिक नहीं है, ये उत्तराखंड कैडर का ये अधिकारी नहीं है, और जो इनकी नियुक्ति है इस पर भी तमाम सवाल है। इनसे सीनियर आईपीएस ऑफिसर वहां पे थे, इनको नियुक्ति दी गई क्योंकि ये धामी सरकार के मुख्यमंत्री धामी के क्लोज है, और जो डीपीसी आयोजित होनी थी वो आयोजित नहीं हुई। तो किस तरह से बाहरी प्रदेशों के लोगों को डीजीपी बना के, और हालांकि अब तो राधा राठौड़ जी बन गई है, उससे पहले उच्च पदों पर, मुख्य सचिव जैसे पदों पर बाहरी प्रदेश के लोगों को बैठा के हम पर राज किया जा रहा है। ये सब आपको देखना होगा, ये चाल चरित्र चेहरे इन सरकारों के, ये आप देखिए। और किस तरह से अभी मौजूदा डीजीपी हमें, हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, मनीषा नेगी का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनकी बेटी का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनकी माँ का उत्पीड़न कर रहे हैं, उनके जो दोनों एडवोकेट भाई हैं उनको डिमोरलाइज कर रहे हैं, मेरी बीबी का ट्रांसफर, मेरे बच्चों का डिस्टरबेंस कर रहे हैं पढ़ाई करके, पढ़ाई में जो करेंगे, अगर मेरी बीबी पिथौरागढ़ जाती है, अभी तो हाईकोर्ट का स्टे है, अगर उसे जाना पड़ा तो कहाँ इनकी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है। ये एक बेटी के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी लगातार उत्पीड़न करवा रहे हैं अपने डीजीपी के माध्यम से, तो बड़ा शर्मनाक है ये। तो आप इन चीज़ों को समझिए, मूल निवास भू कानून पे ये विधानसभा में कुछ बोलने को तैयार नहीं है, जेसीबी फिरवाने में ये देर नहीं लगा रहे हैं पहाड़ियों की दुकानों पर मकानों पर, अंकिता भंडारी कोई न्याय नहीं देंगे, तो फिर ऐसे लोगों को क्यों मतदान करना है आपने, ये आप सोचना है। और आप ही तय करिए कि इन लोकसभा चुनावों में इनको कैसे लड़ा जाए, किस व्यक्ति को इस समाज के प्रतिनिधि के रूप में खड़ा किया जाए। मैं पौड़ी लोकसभा की बात भी करता हूँ, टिहरी की भी बात करता हूँ, कुमाऊं मंडल की बात, अल्मोड़ा की भी बात करता हूँ, नैनीताल की भी बात करता हूँ, हरिद्वार की बात भी करता हूँ, कि आप लोग ही अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करिए और सोशल मीडिया के मार्फत ये आवाज पहुंचाइए, और अपने जनता में डिस्कशन करके बताइए कि पौड़ी से हमारा ये महिला लड़ेगी या ये पुरुष हमें काबिल लगता है, टिहरी से ये पुरुष या ये महिला काबिल लगती है, और अन्य जो लोकसभा सीट है वहां से भी ये व्यक्ति या ये महिला हमें काबिल लगती है। क्योंकि ये लोकसभा चुनाव एक सिंपल चुनाव नहीं है, ये वॉक ओवर अगर आपने भाजपा को दे दिया तो पिछला जो कार्यकाल रहा जिसमें 5 सांसदों ने अंकिता हत्याकांड पे कुछ नहीं बोला, यहाँ इतने जेसीबी मकानों पे चल गए कुछ नहीं बोला, बाघ भालों ने हमारे इतनी माँ बहनों को मार दिया इन्होंने संसद में कुछ नहीं बोला है, उसके बाद मूल निवास भू कानून पे इन्होंने कुछ नहीं बोला। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के व्यक्ति संसद में ना पहुंचे तो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करिए और पार्टी लाइन से ऊपर जाके उन प्रतिनिधियों का चुनाव करिए, और इस तरह के फर्जी थौला मेला, दिशा ध्यानी थौला मेला इनके बहकावों में हरगिज ना आए।
मैं समस्त मातृ शक्ति से फिर से कहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले तो मत जाएं कल की जो गौचर की रैली होने वाली है। यदि आप चाहते हैं कि आप भविष्य में बहन बेटियां सुरक्षित रहें तो मत जाएं इनकी रैलियों में, भीड़ मत बने। जब तक आप भीड़ बनेंगे तब तक ये आपको भीड़ समझते रहेंगे और एक दिशा में चलाते रहेंगे। आज तो इन्होंने आपके मकानों का चिन्हीकरण किया है, यदि हम उस समय आवाज नहीं उठाते तो ये आपके मकानों को ध्वस्त भी करते। उस समय भी हाईकोर्ट आशीष गया था, बिल्कुल हम लोग गए थे, हमारी PIL पे ही वो डायरेक्शन हुए थे। और उसके बाद रात के अंधेरे में पुष्कर सिंह धामी जी का वीडियो आता है, अगर इतना था तो सुबह के उजाले में करते, रात के अंधेरे में क्यों? तब तक PIL हम तक नहीं पहुंची थी और हम इसको एक्सपोज नहीं कर पाए। पर मैं आपको फिर से बोलता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपके मकान सुरक्षित रहे, आपके हक सुरक्षित रहे, आपकी बेटियां सुरक्षित रहे और अंकिता को न्याय मिले तो मत जाएं इनकी रैलियों में, मत बने भीड़ का हिस्सा। आप मां नंदा देवी की भूमि से हैं, आप इन भूमियालों की भूमि से हैं। हमने नारी को हमेशा मां के स्वरूप में देखा है, हमने देवी के स्वरूप में देखा है। ये देवी को कुचलने वाले लोग हैं, ये अभद्रता करने वाले लोग हैं। इनके सरकारों ने, इनके सरकार, इनके प्यादों ने क्या क्या नहीं किया है इनके इस कार्यकाल में। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में सब कुछ सही रहे तो मत बने भीड़ का हिस्सा। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद। जय पहाड़, जय पहाड़ी। और दोस्तों, अब गला कुछ बेहतर हो रहा है और उम्मीद करूंगा कि आने वाले दिनों में मेरी आवाज़ पूरी तरह से खुल जाएगी, क्योंकि अगर मैं बोल नहीं पाऊंगा तो फिर मैं कैसे अपनी बात को आपके पास रख पाऊंगा। और मैं एक संदेश और छोड़ना चाहता हूं आशीष और अपनी तरफ से, कि जिस तरह से हमारे जो क्रांतिकारी बातें हैं, जो हम सच कहते हैं, और सच कहने की वजह से कभी भी आशीष जेल के अंदर जा सकता है, कभी भी आशुतोष नेगी जेल के अंदर जा सकता है। तो जितने भी मेरे भाई, जितनी मेरी बहनें इन वीडियो को देख रही हैं, कि हमारे अलावा आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप भी सोशल मीडिया में सच्चाई को अपने लोगों के बीच में लाएं। जितने मेरे यूट्यूबर साथी हैं, जितने मेरे फेसबुक पे अपने पेज चला रहे हैं साथी, उन भाइयों से, उन बहनों से निवेदन है कि जिस दिन हम लोग किन्हीं कारणों से जेल के अंदर चले जाएं, क्योंकि ऐसा भी संभव है कि हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, जिस तरह मुझ पर SC ST एक्ट का एक फर्जी मुकदमा लगाया गया है, किसी दिन मुझे उठा के जेल में ठूस दिया जाए और मैं ना बोल पाऊँ, आशीष पे भी एक फर्जी मुकदमा लगाकर इसको भी जेल में भेज दिया जाए। लेकिन ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। हमारे बाद अगर हमें कहीं फंसा के कुछ समय के लिए जेल में भी डाला जाता है तो ये लड़ाई जिंदा रहनी चाहिए और हजारों आशुतोष, हजारों आशीष पैदा होने चाहिए और हजारों अंकिता भंडारी जैसे जीवट वाली, अपनी अस्मिता बचाने के लिए अपनी जान देने वाली बहन बेटियां भी जागनी चाहिए। और रील बनाने के लिए जो नाचते गाने की जो आप रील बनाती हैं, अपनी भावनाओं को थोड़ा सा इस तरफ भी केंद्रित करिए कि आपके पहाड़ी समाज के साथ क्या हो रहा है। जय पहाड़, जय पहाड़ी, पहाड़वाद जिंदाबाद।